और बिहार बीजेपी दफ्तर तक कोरोना पहुंच चुका है। बिहार बीजेपी के 75 नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश कार्यालय से 100 लोगों का सैंपल लिया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कई सीनियर नेताओं में कोरोना के संक्रमण पाए गए। संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीजेपी ऑफिस से 100 लोगों का सैंपल भी लिया गया था। के बीच चुनाव की तैयारियां बीजेपी को महंगी साबित हुई है। दरअसल पार्टी के एक प्रदेश प्रवक्ता के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद पार्टी के 100 से ज़्यादा पदाधिकारियों की का सैंपल लिया गया था, जिनमें से 75 जो पदाधिकारी हैं उनके सैंपल पॉजिटिव आए हैं। इस पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद यहां हड़कंप मच गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है और यहां पर कार्यालय को बंद कर दिया गया है, किसी का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। दरअसल बीजेपी लगातार यहां पर वर्चुअल मीटिंग की बात कर रही थी, वर्चुअल मीटिंग की जा रही थी और इसी दौरान जो कार्यकर्ता थे वो पॉजिटिव संक्रमण के शिकार हो गए हैं। इसके अलावा बीजेपी से जुड़े 3 विधायक हैं जो पहले ही पॉजिटिव साबित हो चुके हैं और लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं वो डराने लगे हैं। और इस बात की संभावना जो उठ रही थी कि कोरोना संक्रमण के काल में फिलहाल पार्टी के चुनाव की तैयारियां न की जाए, इस घटना के बाद से अब लोग ये कहने लगे हैं कि अभी चुनाव की तैयारियां उचित नहीं हैं। कर्मेश सैनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।